हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके क्विज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके क्वेश्चन और सभी के आपको आंसर देने हैं और विद इन 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से। अगर आप 5 सेकंड में कमेंट के माध्यम से आंसर नहीं दे पाते तो उन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर सी है भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी है राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर से, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर से, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर से, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर जो रियासत है उससे संबंधित है दूधवा खारा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी है बेगू आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी है बिजोलिया आंदोलन से। उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेगू आंदोलन से संबंधित है रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन नंबर ए है बूंदी से, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा से, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर डी है शाहपुरा से। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बूंदी से संबंधित थे अमर शहीद नानक जी भील का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मीणा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है भगत आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी है एकी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही आंदोलन से संबंधित है निम्बड़ा हत्याकांड आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर से, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर सी है मात्र कुंडिया से, ऑप्शन नंबर डी है निम्बड़ा से। इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, मातृकुंडिया से शुरू किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए है दुर्गावती देवी के, ऑप्शन नंबर बी है किशोरी देवी के, ऑप्शन नंबर सी है नारायणी देवी के, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशोरी देवी के नेतृत्व में अप्रैल 1934 में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पंडित नैनूराम शर्मा के, ऑप्शन नंबर बी है
डॉक्टर मोहम्मद अली के, ऑप्शन नंबर सी है महाराजा जय सिंह के, ऑप्शन नंबर डी है प्रताप सिंह के। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व से प्रारंभ हुआ था मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है जाट किसान आंदोलन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलवर किसान आंदोलन है जो कि शुरू हुआ था सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? ऑप्शन नंबर ए है बिजोलिया, ऑप्शन नंबर बी है नींबूचाना, ऑप्शन नंबर सी है बेगू, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नींबूचाना का जो कृषक नरसंहार हत्याकांड हुआ था उसको महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर ए है कल्याणी देवी ने, ऑप्शन नंबर बी है काली देवी ने, ऑप्शन नंबर सी है कस्तूरी देवी ने, ऑप्शन नंबर डी है किशोरी देवी ने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किशोरी देवी ने किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संप सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है राजकुमार मानसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद गिरी ने, ऑप्शन नंबर सी है भोगीलाल पांड्या ने, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी ने की थी संप सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ में सबसे पहले शुरू किया गया था कृषक आंदोलन राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़ किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है सीकर किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी है बेगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी है एकी किसान आंदोलन से। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक ही किसान आंदोलन से संबंधित थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ बांगड़ और आसपास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है भोगीलाल पांड्या ने, ऑप्शन नंबर बी है गोविंद गिरी ने, ऑप्शन नंबर सी है मावाजी ने, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल तेजावत ने। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, मावाजी ने शुरू किया था लसोड़िया आंदोलन जो कि मेवाड़ बांगड़ और आसपास के भीलों को सामाजिक सुधार के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट राजस्थान जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।